गाइस, सबसे पहले आपको फेस स्मूथ कर लेना है एडोब स्केचबुक के अंदर। फिर आपको टूल्स पे जाना है। टूल्स पे जाके ये वाला स्मज वाला टूल सेलेक्ट करना है। एडजस्टमेंट आप अपने हिसाब से कर सकते हैं या आप ये भी फॉलो कर सकते हैं, तो मैं जल्दी से कर लेता हूँ। तो मैं वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ, वरना वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और गाइस, अगर आपको ये वीडियो देख के कुछ सीखने को मिलता है तो गाइस वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि लेटेस्ट वीडियो सबको मिल पाए। तो गाइस, इतना करने के बाद आपको पिक को शेयर करना है, लाइट रूम में ले आना है। फिर हम लाइट को एक्सपोजर को आपको थोड़ा बढ़ाना है लाइट सेक्शन में जाके। फिर कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा कम, फिर हाईलाइट्स को भी कम, शेडो को आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, मतलब फोटो के हिसाब से रख सकते हैं। फिर वाइट्स को ज़्यादा कर देंगे, फिर ब्लैक्स को कम करेंगे। और आप कर्व का इस्तेमाल कर सकते हैं, मेरे फोटो में ज़रूरत है, आपके फोटो में ना ज़रूरत हो तो मत करो। फिर जाएंगे अगले टूल पे, मिक्स पे जाएंगे। फिर रेड को छेड़ेंगे थोड़ा, ये सब देख सकते हैं। फिर हम ऑरेंज कलर पे आएंगे, जो कि फेस का टोन का कलर है, तो हम उसको भी छेड़ेंगे। ये आपको फोटो के हिसाब से कर लेना है आपका। फिर येल्लो को हम दोनों ही डिक्रीज कर देंगे, ह्यू प्लस सैचुरेशन को डिक्रीज कर देंगे। फिर ग्रीन पे आएंगे, बेसिकली ये ज़रूरत नहीं है ये फ़ोटो में। फिर स्काई पे आएंगे, स्काई कलर पे आएंगे और ह्यू को सैचुरेशन को कम ज़्यादा करेंगे, जैसा आप देख सकते हैं। फिर डीप ब्लू पे आएंगे और सैचुरेशन और ह्यू को एडजस्ट कर देंगे। फिर यहाँ से डन कर देंगे, ये सब देख सकते हैं। आधा एडिटिंग हो चुका है कंप्लीट। फिर हम ग्रेडिंग पे जाएंगे, ग्रेडिंग पे जाके इस बार के शेडो को हम पूरा देखेंगे कौन सा ठीक लग रहा है। मेरे पे स्काई ज़रा ठीक लग रहा है, तो मैं स्काई प्रेफर करता हूँ मेरे पिक पे। आपका जो जैसा भी पिक है आपको कर लेना है, तो मैं एडजस्ट कर लिया है। और जैसे आप लुमिनेंस को भी घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, ब्लेंडिंग आप अपने हिसाब से रखना होगा आपको। तो मेरा यह पे हो चुका है, आप करेंगे डन। फिर आएंगे टेम्परेचर को हम थोड़ा बढ़ाएंगे, क्योंकि ये डे टाइम है, सब देख सकते हैं, ज़्यादा भी नहीं बढ़ाना है। पिंक को थोड़ा बढ़ाएंगे, वाइब्रेंस करीब 50 के आसपास रखेंगे, सैचुरेशन को कम। उसके बाद हम अगले टूल पे जाएंगे, अगले टूल में जाने के बाद टेक्सचर को थोड़ा बढ़ाएंगे करीब 20 के आसपास। फिर क्लैरिटी को थोड़ा बढ़ाएंगे करीब 10 के आसपास, जैसे आप देख सकते हैं। फिर हम बिगनेट को कम करेंगे, आप अपने फ़ोटो के हिसाब से कर लेना है आपको, मतलब कि जूम करके आपको देख लेना है कौन सा ठीक है कौन सा नहीं है। तो मैं थोड़ा और क्लैरिटी को बढ़ाऊँगा। फिर आएंगे विंगनेट पे, विंगनेट को थोड़ा कम कर देंगे करीब 20 के आसपास। फिर ऐसे कर देंगे डन। फिर जाएंगे अगले टूल पे, अगले टूल पे जाके शार्पनिंग को बढ़ाएंगे करीब 35 के आसपास। फिर नॉइस रिडक्शन को थोड़ा बढ़ाएंगे करीब 20 के आसपास। तो देख सकते हैं बहुत ही चेंजेस आ चुका है हमारे फ़ोटो पे। फिर अगले टूल पे जाएंगे कलर नॉइस रिडक्शन पे, वहाँ पे जाके हम इसको 20 कर देंगे। तो एजिया तक ये कंप्लीट हो चुका है हमारा फ़ोटो एडिटिंग। तो वैसे ऐसे आप देख सकते हैं बिफोर आफ्टर बहुत ही शानदार हो चुका है फ़ोटो एडिटिंग। फिर आपको यह से शेयर करके सेव कर देना है, सिंपली शेयर बटन पर क्लिक करना है, उसे दिख रहा है, और सेव कर देना है। तो बस जैसे आपने थंबनेल पे देखा था कि ये हेडलाइट पे थोड़ा राइट ग्लो कर रहा था वाइट कलर का, तो उसके लिए आपको फ़ोटो को शेयर करके एडोब फेसबुक पे लाना है। फिर आपको ये वाला जो PNG है, इसको लाइट PNG है, इसको आपको डाउनलोड कर लेना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। फिर आपको एडजस्ट कर लेना है यहाँ पर इम्पोर्ट करके। फिर आपको लाइट PNG के लिए ऐसे क्लिक करके उसको आपको स्क्रीन कर देना है, जैसे आप देख सकते हैं। फिर आप अपने ओपेसिटी को कम ज़्यादा करके देख लीजिए कि कौन सा ग्लो, मतलब कि कितना ग्लो करना चाहिए आपके फ़ोटो पे। तो मेरा ऐसे मैं कर लेता हूँ। गाइस, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। तो गाइस, यहाँ पे हमारा एडिटिंग हो चुका है कम्प्लीट, इसको हम शेयर करेंगे और सेव कर देंगे। The way that you can't love, we should have never loved.